It's about EFIR registration. E stands for electronic. So, now with the change in technology, change in environment, there comes another mode of registration of FIR. This is electronic FIR registration. This is going to be your very first session. इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में दैट्स वाई हाई हेयर रिटर्न वन सेकेंड पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन हेयर बिलो प्रोवाइडेड आर मेल एड्रेस एंड दिस इज आर नंबर थ्रू विच यू कैन गेट इन टच विद अ स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है कोई क्वेरी है आप कुछ हमारे साथ डिस्कस करना चाह रहे हो पर्सनल नॉट तो आप हमें कॉल कर सकते हो मेल कर सकते हो स्टार्टिंग ई एफ आई आर रजिस्ट्रेशन तो ये क्या कहता है दैट दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बी एन एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दैट हैज रिप्लेस्ड विच एक्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाइनटीन सेवेंटी थ्री सी आर पी सी को रिप्लेस करके बी एन एस एस आया है आप सब जानते हैं नाउ इसके साथ जब इसको रिप्लेस किया गया है तो क्या चेंजेस मेजर आए हैं अमंग द मेजर चेंजेस वन थिंग दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इज द प्रोविजन ऑफ जीरो एफ आई आर एंड ई एफ आई आर ये दो प्रोविजन्स नए इंक्लूड किए गए हैं सी आर पी सी में जो नहीं थे अबाउट जीरो एफ आई आर एंड ई एफ आई आर जीरो एफ आई आर के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कसड इन डिटेल ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ वेरी फर्स्ट सेशन ऑल्सो स्टूडेंट्स जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया है ज़ीरो एफ आई आर क्या होती है इसको कैसे रजिस्टर किया जाता है हाउ द प्रोसेस स्टार्ट तो आप पहले ये फर्स्ट सेशन भी देखिएगा बिफोर वॉचिंग दैट सेकेंड सेशन सो जीरो दिस ई एफ आई आर वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ द प्रोविजन्स ऑफ अ कग्नीबल ऑफेंस हैज़ नाउ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन वन सेवेंटी थ्री एज आई टोल्ड यू वन सेवेंटी थ्री अब न्यू सेक्शन एड हुआ है सी आर पी सी में जो एफ आई आर से रिलेटेड कग्नी से रिलेटेड सेक्शन था वो था हमारा वन फिफ्टी फोर तब वन फिफ्टी फोर को आपसे कोई पूछे तो वन फिफ्टी फोर का साइमल्टेनियस कौन सा सेक्शन आया है रिप्लेस करके दैट इज सेक्शन वन सेवेंटी थ्री द स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एस ओ पी जो होगा ई एफ आई आर से रिलेटेड वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वी विल सी ईच स्टेप और यू कैन से प्रोसीजर ऑफ द स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड वाई समिटिंग हाउ दिस ई एफ आई आर डन रजिस्टर्ड हाउ द प्रोसेस गो जोन वी विल सी फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड हाउ दिस प्रोसेस गोज ओन सो स्टूडेंट्स द वेरी फर्स्ट थिंग इज इनिशिएशन इनिशिएशन का मतलब है स्टार्टिंग इनिशिएट होना कैसे ई एफ आई आर स्टार्ट की जाती है कैसे इसको पेज पर लेकर आया जाता है हाउ इट ब्रोड टू द नोटिस ऑफ आवर ऑफिशियल्स सो द कंप्लेनेंट जो होता है उसके साथ अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हुई है कोई ऑफेंस हुआ है जिसमें वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता है लॉग्स इन टू द ऑफिशियल पुलिस ई एफ आई आर पोर्टल आप सब अब एवरी वन वन इज कैरिंग मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स इन देयर हैंड एंड एवरी वन ऑफ यू नोज हाउ टू स्टार्ट हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स ये अब सब बच्चों को सब को पता होता है सो ऑफिशियल पुलिस ई एफ आई आर पोर्टल पर आप जाते हैं और यू कैन से पुलिस वेबसाइट जो भी आपके नियर बाई पुलिस वेबसाइट होगी आपके स्टेट की जो भी पुलिस वेबसाइट है जे फॉर एग्जाम्पल योर स्टेट तो वह उस गवर्नमेंट वेबसाइट में वहाँ की पुलिस वेबसाइट के बारे में पता लगाइए उस पर ई एफ आई आर पोर्टल का एक आपको लिंक दिखेगा उस पर आप जाना और यू कैन यू मे सेंड द कम्प्लेंट या इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है आपको ई एफ आई आर पोर्टल पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन देना है कम्प्लेंट डालनी है आप सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये एनी मेथड के थ्रू भी अपनी एफ अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं बहुत ईजी कर दिया गया है सो एज पर सेक्शन वन ऑफ बी एन एस 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 दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या बोला गया है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है इर रिस्पेक्टिव ऑफ़ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मीन्स आपको प्लेस की चिंता नहीं करनी है एरिया की चिंता नहीं करनी है जहाँ पर क्राइम हुआ है और जो वो प्लेस ऑफ क्राइम है उसकी चिंता नहीं करनी आपको डायरेक्ट बस देखना है येस इट हैपन देयर हमें पता लगा है ऑफेंस है आपने क्या करना है उस इंफॉर्मेशन को कैसे सेंड करना औरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यू कैन डू दिस ये बहुत ईजी कर दिया है नेक्स्ट थिंग इज द कम्पलेनेंट जो होंगे जो कम्प्लेंट फाइल कर रहे हैं फिल्स इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स और सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन हिज कम्पलेंट जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होता है लाइक नेम प्लेस वेर यू आर डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट आप देना चाहते हैं या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैंडेट्री होती है कुछ ऐसी होती है जो मैंडेटरी नहीं होती लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल ऑफ इंसिडेंट एंड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या आपको कोई एविडेंस है आपने कोई फोटोज़ क्लिक करी है वहाँ की सब कुछ आप सेंड कर सकते हो द मैसेज सो रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली जो भी अब ये फाइल जो भी कंप्लेंट आपने डाली है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ये अब जहां पर जाएगी मीन पुलिस स्टेशन में वहां पर इस मैसेज को डाउनलोड किया जाता है इंफॉर्मेशन को डाउनलोड किया जाता है एंड इन अ कंप्यूटर इन अ पुलिस स्टेशन अब वो भी इस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाउनलोडेड रखते हैं दे आर कंप्यूटर देन दिस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में बी एंटर्ड इन देंट और ई एफ आई आर रजिस्टर उनके पास एक रजिस्टर होता है ऐसे रजिस्टर जिसमें ऐसी कंप्लेंट्स मेंशन की जाती हैं जो उनको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड आई हैं ई कंप्लेंट बोल देते हैं उस रजिस्टर का नाम या ई एफ आई आर बोल देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली उनके पास पहुंची है और एज प्रिस्क्राइब बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी उनकी डिपार्टमेंट ने बताया है कैसे रजिस्टर मेंटेन करना है उसमें ये पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर्स के ड्यूटी है कि आपको वो रजिस्टर मेंटेन करना है और उसमें वो डिटेल्स भी डालनी है जो उनको इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट्स आई हैं अब आपने देखा हो कि वट एवर इज़ हैपनिंग लाइक आप कहीं जा रहे हो आप कुछ भी गलत होता है आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पर रिकॉर्ड कर सकते हो आप उनकी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो एंड तुरंत आप उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन या नियर बाय पुलिस ऑफिसर को कॉल करके हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं उनको दे देते हो दिस इज काइंड ऑफ ई कंप्लेंट सो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको यह समझ में आया है कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है जो कंप्लेंट्स हैं नॉट ओनली इन अ रेगुलर मोड कि आपको रिटर्न मोड में या यू हैव टू गो टू द नियर पुलिस स्टेशन ऐसे आपको दर्ज करवानी पड़ेगी दैट्स एन ओल्ड मेथड इट्स स्टिल नाउ बट विद द एडवांसमेंट इन द एनवायरमेंट एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी आवर ऑफिशियल्स आर हैव ऑल्सो चेंज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्टरिंग दिस एफ दैट्स वाई दिस बी हैज कैरीड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन इट इफ वी सी फ्रॉम आर ओल्ड एक्ट्स जो कि ओल्ड एक्ट्स में लिखा आ रहा था अब उससे काफ़ी चेंज अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गया है एंड दैट्स ब्रॉट अ रियली अ ग्रेट चेंज इन केस ऑफ दिज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आरस आई होप यू गॉट दिस टॉपिक नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेप्स इन नेक्स्ट सेशन टिल देन यू हैव टू कीप वॉचिंग यू हैव टू Keep studying with me, maintain regularity, maintain continuity. These are the ways through which you can get in touch with us. Follow us on Instagram, Telegram for more updates. Thank you.